व्यवस्था विवरण अध्याय 20 कुल पद 20। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इसराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहें कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल ना खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह ना लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य हैं जो डरपोक और कच्चे मन के हैं, वह भी अपने घर को लौट जाएं, ऐसा ना हो कि उनकी देखा देखी उनके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करें। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे तब जितने उसमें हों वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे, परंतु यदि वे तुझसे संधि ना करें परंतु तुझसे लड़ना चाहे तो उस नगर को घेर लेना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना, परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना, और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर है और इन जातियों के नगर नहीं है, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है उनमें से किसी प्राणी को जीवित ना रख छोड़ना, परंतु उनको अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों एमोरियों कनानियों परिज्जियों हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उनको भी घेरे रखे? परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है तो उनको काट कर नाश करना, और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक कोट बांधे रहना जब तक वह तेरे वश में ना आ जाए।